सीन है वो तो ज़बरदस्त है, आप देख सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज हम निकल रहे हैं कुवारा, भीमसेन और रामटेक के लिए। तो एक नया दिन और एक नई शुरुआत। और हाँ, जो मैंने अभी लास्ट वीडियोस में आपसे नहीं कहा, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अजून तुला कोणता ब्रेक घ्यायचा आहे? कोणता ब्रेक घ्यायचा आहे तिकडे तुला? टीचर्स कॉल ब्रेक अटे मंदिर बंद है। मंदिर है वैसे, कोविड प्रोटोकॉल के तहत तो बंद है, लेकिन 7 तारीख से ओपन होने वाला है। अभी 2-3 दिन ही बाकी है चालू होने का, फिर भी उन्होंने चालू करके दिया है तो हम दर्शन करते हैं। मला माहित असेल ना जुनं काहीतरी कसं का मंदिर बनलं म्हणून? हे नाही आहे माहित। मी तुम्ही इच्छेत आहे का? हो, लय पुराण आहे। चढू नये ए, हात पकडे दूर आहे। तो हम पहुंच गए हैं कुवारा भीमसेन, और बहुत ही सुंदर नज़ारा है देखने को मिल रहा है यहाँ पे हमें, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे। ऐसे बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे जो है गढ़ भी है ये साइड में, ये रास्ता है। वो पहले खाऊंगी, वो मैं कोटिंग करूंगा, मैं तो कोटिंग करता करता भूख लग गई तो क्या करूं? पानी पीऊं दे दे भूख लग गई, अगर चटनी खा ना तो बहुत टाइम लगेगा ना मम्मी। संपर्क है सटी है। अब हम बोटिंग के लिए जाने वाले हैं, तो यहाँ पे लाइफ जैकेट है, कंपलसरी है। अच्छी बात है कि विदाउट लाइफ जैकेट आप बोटिंग नहीं कर सकते।
पाणी नाही खेळायचं म्हणून तुम्ही तुला इकडे बसलो नाही तर इकडे माझ्यासारखं कोंड्यावर मस्त का बसवलं. दादा मग इथे मध्ये मध्ये काय आहे वॉटर पार्क मध्ये नाही गेलेलं अरे बंद करणार आहे ते अरे काय पाहू दे तू बोल ना तर पाणीने उडवणार का सारा तू म्हणते पाणी नको उडू म्हणतो मी म्हटलं नाही मी तुला म्हणतो वॉटरफॉल नाही म्हणजे हे वॉटर पार्क मध्ये नाही मला वाटलं तू हे म्हणतोय हा वॉटर प्रूफ नाही आहे असं वॉटर हे वॉटर प्रूफ आहे म्हणतो ना तू राणी राहत होती तरघर होता तरघरातून ते घोडा नाही आहे इथे शिपाई लोक राहे मग ते तरघराच्या वरत आली शिपाई लोक घोडा अंदर बांधला का मग नाही का ते लोक नाही का तिथेच राहत मग ते राणी नाही का आपलं आतीय सामान घेतलं तर ते पैदल पैदल गडावर जाय आणि ते ना नक्की 9 महिना चालू होता आणि ते गडावर उतरता नाही का तर ते ना देवाले म्हणलं मासं नाही जमत तर मग देवानं म्हणलं का तू मागं बघजो का मी येतो खाली तिले का वाटलं पायने वाईट काय ना ती ना मागे बघितलं तर तिथं सांगे देव नाही तिथं मूर्ती बसतो असं यायला तर पहिला स्थान तो वरच्या आणि दुसरं स्थान खालचं. हम जा रहे हैं ट्रैकिंग के लिए. ये कुछ पहाड़ दिख रहा है जो वहाँ पे तो चले देखते हैं कैसा होता है ट्रैकिंग. बेटा इथे वर जायचं इथे टायगर आहे वरती लपलेला त्याला बघतो वरती चढता येतो ना तुला ट्रैकिंग चालू है देख रहे होंगे आप नज़ारा. वैसे तो फर्स्ट ट्रैकिंग नहीं कर रहा हूँ मैं आई थिंक फोर्थ फिफ्थ ट्रैकिंग है मेरी लेकिन ट्रैकिंग किए हुए बहुत टाइम हो चुका है. ट्रैकिंग किए हुए क्या आई थिंक कोई भी ऐसे फिजिकली एक्टिविटी किए हुए बहुत टाइम हो गया इस वजह से थोड़ा सा पसीना आ रहा है. अच्छा है चलो चलो थोड़े
Oh. What's your name? Atharva. Where are you from? Nagpur. Oh, Nagpur, okay. Hard trail. Oh my God. Ten to twelve hours. And then I play with my friends because we can't do anything in real life. So I call them. So. काफी ऊपर आ गए हैं। जो सीन है वो तो जबरदस्त है, आप देख सकते हैं। मजा ली चढ़ाला? बच्चन शिव्या देता मला थोड़ा मना थोड़ा ऐकू शकत नाही ऐकत आहो ना छान इथपर्यंत ऐकू येत आहे भाई। तो हम अभी है कहाँ है हम कुवारा भीव से। तो दो तीन चीज़ें की हमने, एक तो बोटिंग की, उसके बाद में ट्रैकिंग की। और अभी यहाँ पे ऐसा बहुत बड़ा तो झरना नहीं है, लेकिन पानी पानी होता है, पानी का मज़ा थोड़ा सा भी रहे तो बहुत इंजॉय होता है। तो आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत मज़ा आ गया, पहली बार आया। आपका नाम? मेरा नाम हितेश है। मैं अंकित। समीर। और कैसा लगा? आप मतलब यहाँ पे आते हो या यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम है हमारा। मतलब बहुत नाम सुना है मैंने, बहुत नाम सुना था दोस्तों ने बताया। और यहाँ पे आके ऐसा लगता है पहले क्यों नहीं आए, पहले आ सकते थे, है ना? देश मतलब वही कि पहले क्यों नहीं आए, पहले क्यों नहीं है? जबकि अपन ऐसे कोई जैसे वो रहता ना लोनावला खंडाला वगैरह वगैरह, तो वो साइड में तो जाना मतलब बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन अपन नागपुर में रह के, नागपुर के पास में रह के इकोनॉमिक ट्रैवल है, और ट्रैवलिंग में टाइम भी वेस्ट नहीं होता, पैसे भी ज़्यादा खर्च नहीं होते, और बहुत अच्छा डे जो है यहाँ पे। रूट भी है वो भी बहुत प्यारा लग रहा था नज़ारा। हाँ जंगल। और वो ये तो आप जो लोग देख रहे हैं उन्हें क्या सलाह देना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए? नहीं आना, जरूर आना चाहिए, जरूर आना चाहिए एक बार तो भी। तो बहुत मज़ा आया। तो बिल्कुल एक बार तो भी आओ, और मेरे ख्याल से 4 से 5 घंटे इनफ है, 4 से 5 घंटों में। और जितना जल्दी आओगे उतना अच्छा है, क्योंकि धूप अगर होती है तो थोड़ा सा फिर परेशानी होती है, वो तो कहीं पे भी होती है। तो थोड़ा सा मॉर्निंग में और जल्दी निकलोगे तो उतना अच्छा होगा। हाय गाइस, अभी हम रामटेक में है,
कल शाम को जब हम खिंडसी से आए तो बहुत टायर्ड हो चुके थे, तो हमने यहाँ पे रामटेक में एक होटल बुक किया। वैसे हम चाहते थे कि रामटेक का मंदिर भी कवर करें और खिंडसी भी कवर करें, लेकिन क्योंकि एक ही दिन का स्टे था और उतना कवर अप नहीं हो पाया, तो आज हम अभी सुबह के वैसे बजे है 5:30 और इस होटल में हम रुके थे। तो नेक्स्ट टाइम वापस आएंगे और रामटेक खिंडसी का करेंगे। तो सुबह का नज़ारा यहाँ पे बहुत अच्छा है, जहाँ पे हम रुके हैं वहाँ से मंदिर और जो गढ़ है रामटेक का वो हमें दिखता है, लेकिन गोप्रो में उतना कैप्चर नहीं हो पा रहा है, अंधेरा है, तो जो आपको रोशनी दिखाई दे रही है वहाँ पे ऊपर में जो दिख रहा है गढ़ के ऊपर में जो रोशनी दिखाई दे रही है वो है रामटेक का मंदिर। बाकी जो ऐसे दिख रहा है आँखों से दिख रहा है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो चलो अभी हम जा रहे हैं रिटर्न नागपुर और आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।